भारत का राज्य झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़, यहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई धर्मांतरण मिशन देखा जाता है। इन राज्यों में ईसाई मिशन के जरिए बड़ी तेज गति के साथ लोगों का धर्म बदलते देखा गया है। इन क्षेत्रों में ईसाई मिशन बहुत सक्रिय है। अब इस मिशन के बीच रांची के एक गाँव ने सुर्खियाँ पकड़ ली है। दरअसल रांची शहर के उस गाँव में पतंजलि ने एक आचार्य कुलम खोला, जहाँ पर पतंजलि की काफी हद तक आलोचना की जाती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी आचार्य कुलम वहां पर आने वाले बच्चों को शिक्षा देकर उनके धर्म और इतिहास से उन्हें रूबरू कराता है। सामने आए इस वीडियो में आप खुद ही देख सकते हैं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है, बेटा क्या नाम है आपका? आद्या विश्वकर्मा। ये जो आद्या विश्वकर्मा बेटी है, इसको पूरी गीता याद है। बेटी गीता सुनाओ, 15वां अध्याय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अथ शूर्द्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण पदं तत् परिमार्गितव्यं। यस्मिन् गतत्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। बहुत अच्छा बेटा, आपको पूरी गीता याद है और उपनिषद कितने याद है? उपनिषद मुझे 5 याद है। बेटा अथर्व है, ये भी 9 साल का है, ये तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इसने भी पूरी गीता याद, चौथी कक्षा में पढ़ता है, और पूरी गीता याद की है और पूरे उपनिषद याद किए हैं। बहुत अच्छा बेटा, कुछ सुनाओ बेटा, उपनिषद सुनाओ आप, गीता इन्होंने सुनाई है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यागमसावृताः तांसे पेत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो कैनद्देवा अभ्रुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतोऽन्यानद्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरेष्वादधापि तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्दिते। बहुत अच्छा बेटा, क्या नाम है अक्षत आपका? जी बेटा सुनाइए। नो उपनिषद बेटे अक्षत को पूरे याद है, गीता भी याद की है, अभी उपनिषद सुनेंगे। आपको उपनिषद सुनाइए, कठोपनिषद सुनाइए। अथ कठोपनिषद, अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ प्रथमावल्ली। ओम उषन् हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसंददौ। तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आसः, ब्रह्मकुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धाविवेशसो मन्यत। पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहानीन्द्रियः, अनन्दा नाम ते लोकात् हंस गच्छति दादत। स होवाच, पितरं कृत कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तं होवाच, मृत्यवे त्वा ददामिति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः, किं स्वीत्यमस्ति कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुरी बेटी का क्या नाम है? मनस्नी। मनस्नी, तो मनस्नी कौन सी कक्षा में हो बेटा? 8वीं। 8वीं में, तो कितने साल की आयु होगी बेटा आपकी? 30। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने क्या क्या याद किया बेटा? संपूर्ण गीता और 9 उपनिषद। बहुत अच्छा, ये देखिए बच्चों को गीता और उपनिषद याद है। अब झारखंड में, रांची में, दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यक्ति आकर ऐसा काम करेगा कि बच्चों को गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद याद करवा दे, तो बेटा गीता सुनाओ, शुरू से सुनाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः।
माम कह पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य। रिपोर्ट्स के अनुसार आचार्य कुलम की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम आद्या विश्वकर्मा है, उसने बिना पढ़े और रुके पूरी की पूरी गीता मुझ जुबानी सुना दी। न सिर्फ एक बच्ची बल्कि आचार्य कुलम के अधिकतर बच्चों को पूरी गीता व उपनिषद याद है। रांची के ग्रामीण इलाके में स्थित इस आचार्य कुलम ने यह साबित कर दिया कि सनातनी धर्म को कोई भी मिटा नहीं सकता। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़ने के लिए व खबरों को जानने के लिए देखते रहिए लिली न्यूज ऑफ इंडिया।